प्यारे बच्चों, आज मैंने रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 5 जहां चाह वहां राह नामक पाठ से आपके लिए एक बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरी मैंने तैयार की है। तो बच्चों, इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। आप सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट, इला कितने साल की थी? बच्चों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 20 साल, बी 22 साल, सी 24 साल, डी 26 साल। इन चारों में से एक उत्तर बिल्कुल सही है। बच्चों, आपको पाठ पढ़ाते समय हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया था। आप सोच करके बताइए कि आपका कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न 2, इला हिम्मत की कौन सी मिसाल है? ए अनोखी, बी अनूठी, सी अनदेखी, डी सुंदर। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को हल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। थर्ड, इला गुजरात की कौन से जिले में रहती थी? ए अहमदाबाद, बी अहमदनगर, सी गांधीनगर, डी सूरत। बच्चों, सोचिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फोर, इला का बचपन किसके गांव में बीता था? ए चाचा के गांव में, बी नाना के गांव में, सी पापा के गांव में, डी दादा के गांव में। तो बच्चों, सोचकर बताइए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। आप सही उत्तर का चयन करें। 5, इला अपने पैरों से क्या क्या काम कर सकती है? ए कपड़ा धोना, बी फर्श बुहारना, सी तरकारी काटना, डी उपरोक्त सभी। बच्चों, पाठ को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि इला अपने पैरों से क्या क्या कर सकती है। आप सोचिए और देखिए कि इनमें से कौन सा उत्तर सबसे सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। 6, इला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 10वीं, डी 12वीं। बच्चों, याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाते समय बताया था, जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। 7, इला के घर में कौन कौन कसीदाकारी करता था? सोचिए। ए दादी बुआ, बी माँ दादी, सी माँ बुआ, डी माँ बहन। इनमें से एक जोड़ा सही है। सही जोड़े पर या सही विकल्प पर चयन कीजिए या निशान लगाइए। 8, जब बच्चे खेलते इला चुपचाप कहाँ बैठी रहती थी? ए एक किनारे, बी स्कूल में, सी कमरे में, डी मैदान में। बच्चों, इनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करिए। 9, इला ने पत्तियों को कैसे सजाया था? ध्यान दीजिए। ए चिकनकारी, बी डंडियों, सी कांथा, डी कसूती। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। 10, इला कितने साल की होते होते कसीदाकारी में माहिर हो गई थी? बच्चों, इसके चार ऑप्शन हैं। ए 15 से 16 वर्ष, बी 13 से 14 वर्ष, सी 16 से 17 वर्ष, डी 14 से 15 वर्ष। इन चारों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 11, इला के गांव में बच्चे कौन सा खेल मुख्य रूप से खेलते थे? आपको पाठ पढ़ाते समय हमने समझाया था और आपने पढ़ा था। ए क्रिकेट का खेल, बी पिट्ठू का खेल, सी हॉकी का खेल, डी फुटबॉल का खेल। इन चारों में से जो आपने पढ़ा है
सोच करके सही निशान लगाइए। 12 दंग शब्द से क्या आशय है? दंग का क्या मतलब है बच्चों? ए हैरान, बी लड़ाई करना, सी कढ़ाई करना, डी ये सभी। इन चारों में से आप देखिए कि सही उत्तर कौन सा है। 13 इला के शरीर का कौन सा अंग अच्छे से काम नहीं करता था? ए कान, बी आंख, सी हाथ, डी पैर। अब बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है बच्चों? जो उत्तर सही है उस पर निशान लगाइए। 14 मलमली धोती का रंग कैसा था? ए काला, बी सफेद, सी बादामी, डी हरा। अब आप बताइए धोती का रंग कैसा था? इन चारों में से जो उत्तर सही है उसका चयन कीजिए। 15 इला ने अपने हाथों की जिद को क्या माना? ए चुनौती, बी परेशानी, सी कोशिश, डी फुर्ती। बच्चों आप बताइए सोच करके विचार कीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन का विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों मैंने आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी बनाई जिसको मैंने पढ़ करके आपको बता दिया। आपने निश्चित तौर पर सभी प्रश्नों को हल कर लिए होंगे। आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। 1 का डी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का डी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का ए, 10 का ए, 11 का बी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का सी और 15 का ए। आपने निश्चित रूप से अपने प्रश्नों का मिलान उत्तर से कर लिया होगा और आपने कितने प्रश्न सही किए आपको मालूम हो गया होगा। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।